हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, जिसे हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। और बच्चों को तो ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये मिठाई सिर्फ 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इस रक्षाबंधन में अपने छोटे भाई के लिए ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम ये खोया लिया हुआ है, और ये मेरा घर का बना हुआ खोया है। आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं, या जो मिल्क पाउडर से इंस्टेंट खोया बनता है वो भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस खोए को एक बड़ी थाली में डालेंगे और इसे हमें अच्छे से चिकना कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम खोए को अच्छे से मसल के एकदम चिकना कर लेंगे। अगर आप बाजार का खोया लेते हैं तो आप खोए को थोड़ा सा भून लें और तो इस ठंडा होने के बाद मिठाई बनाएं। ये देखिए, हमने अच्छे से मसल लिया हुआ है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। ये पाउडर शुगर है जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया हुआ है। इसे हम मिक्स कर देंगे मावा में अच्छे से। मैं यहाँ पर ये लड्डू बहुत ही कम मीठे बना रही हूँ, मतलब हल्के मीठे ही मुझे पसंद है। आप चाहें तो चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो मावा है, इसका हम आधा पार्ट अलग कर देंगे, और इसके लिए जो हम बीच की फिलिंग तैयार करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इससे बहुत अच्छा चॉकलेटी टेस्ट आता है। 1 से 1.5 चम्मच के जितना हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे, यानी कि गरी का बुरादा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चॉकलेट का फ्लेवर आपको जितना ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ही कोको पाउडर डाला हुआ है। ये देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स, यानी छोटे छोटे लड्डू जैसे बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें इसके एकदम अच्छे से चिकने चिकने लड्डू बना के तैयार कर लेना है, और ये मिठाई बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, सेम इसी तरह से हम सभी बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जितने भी बॉल्स बने ये लड्डू मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हुए हैं। अब जो हमारा दूसरा मावा वाला पार्ट है, उसे हम इस तरह से हाथ में लड्डू के बराबर ही क्वांटिटी लेनी है। हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके बीच में हम रखेंगे एक लड्डू, यानी चॉकलेट वाला लड्डू, और इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है तो थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से इस तरीके से चिपका के अच्छे से रोल करना है इसे, जिससे कि जो चॉकलेट वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी दिखे ना। तो ये देखिए, एक लड्डू हमारा बनके तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के और भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको दूसरा लड्डू भी बना के दिखाती हूँ, और बहुत ही सिंपल है इस तरीके से बनाना। ये देखिए, सिंपल सा हमें इसे थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करना है, और इसके बीच में एक लड्डू रख के अच्छे से इसे सील पैक कर देना है। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनके तैयार हो गया है, और सेम इसी तरीके से हमने सभी लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन लड्डुओं को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि हल्के से सख्त हो जाएंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा ये पिस्ता चिपका देंगे, आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स चिपका सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे पिस्ता से गार्निश किया हुआ है। अब हम आपको काट के दिखाते हैं। तो ये देखिए, जब हम इसे इस तरीके से कट करेंगे तो ये हमारा
बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेटी लड्डू बनके तैयार है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।